हिंदी सिनेमा जगत की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या भारती भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, पर जब ये जिंदा थी तब ये एक साथ पांच पांच फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। और जिस तरह से इनके जाने के बाद फिल्म शोला और शबनम रिलीज हुई, उसमें इनकी अदायगी वाकई काबिले तारीफ थी, जो आज भी दर्शकों को रुला जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शोला और शबनम मूवी करने के बाद दिव्या की अधूरी फिल्में किसने की है, कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिसमें दिव्या को रिमूव कर दूसरे एक्ट्रेसेस को लिया गया? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के जरिए। दिव्या भारती सिनेमा का वो खिलखिलाता नाम है जो हमेशा याद किया जाएगा। 5 अप्रैल सन 1993 में दिव्या भारती दुनिया को अलविदा कह गई थी, लेकिन साथ ही एक लंबी लिस्ट अपनी फिल्मों की अधूरी भी छोड़ गई, जिसे किसी दूसरी एक्ट्रेसेस ने पूरा किया। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिव्या के निधन से पहले उनकी आखिरी फिल्म साल 1992 में आई थी शोला और शबनम, जिसके बाद ये अपनी कई फिल्मों को अधूरा छोड़ इस दुनिया से चली गई, जिसमे पहली फिल्म लाडला थी जो दिव्या भारती अधूरी कर चुकी थी। पर दिव्या के चले जाने के बाद एक्ट्रेस श्रीदेवी को इस फिल्म में लिया गया और दिव्या भारती के सारे सीन्स एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ रीशूट कर दिए गए, क्योंकि श्रीदेवी और दिव्या भारती को हमशक्ल माना जाता था। वहीं लाडला के अलावा कुछ और फिल्में थी जो दिव्या भारती करती करती रह गई, जिसमें मोहरा दलवाले फिल्म थी जिसमें एक्ट्रेस रवीना टंडन ने काम किया। वहीं अगली फिल्म कर्तव्य अभिनेत्री जूही चावला ने की। इसके साथ ही विजय पथ मूवी एक्ट्रेस तब्बू ने की थी और फिर आंदोलन फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के नाम करा दी गई। लेकिन दिव्या की मृत्यु के बाद जो दो फिल्में रिलीज हुई, रंग और शतरंज, जो कि दिव्या भारती पूरी करके गई थी, जो इनके दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद रिलीज हुई। वेल दोस्तों, क्या आप अपनी फेवरेट एक्ट्रेस दिव्या भारती को अब याद करते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही दमदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।